दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। राजस्थान हाई कोर्ट ग्रुप डी का सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर एक सॉल्व करने वाले हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में शेयर भी करें। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस रेड कलर के बटन क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बगल में ही आपके बेल आइकॉन होगा, जब आप इसे ऑन करते हैं तभी मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाती है। तो सबसे पहले हम लोग पर्यायवाची देखेंगे। पहला क्वेश्चन, कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है? इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, शार्दुल। शार्दुल शब्द घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, जबकि अन्य वाजी तुरंग है घोड़ा के पर्यायवाची शब्द हैं। शार्दुल का पर्यायवाची शब्द सिंह होता है। दूसरा क्वेश्चन, मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? आंसर हो जाएगा सुंदरी। मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द सुंदरी होता है। मीनाक्षी का आशय मीन की तरह आंख वाली होता है। नोट, आयोग ने इसका जो उत्तर वो दिया है, सुंदरी दुर्गा दोनों के समान माना जाता है। तीसरा क्वेश्चन, कौन सा शब्द नाग का पर्यायवाची नहीं है? इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, तुरंग। नाग का पर्यायवाची शब्द तुरंग नहीं है। तुरंग का पर्यायवाची शब्द घोड़ा होता है, जबकि सर्प अहि और विषधर नाग के पर्यायवाची शब्द हैं। चौथा क्वेश्चन, कौन सा शब्द दैत्य का पर्यायवाची नहीं है? आंसर हो जाएगा भूसुर। दिए हुए विकल्पों में दैत्य का पर्यायवाची शब्द भूसुर नहीं होता, जबकि अन्य विकल्प इसके पर्यायवाची हैं। भूसुर का पर्याय ब्राह्मण होता है। पांचवा क्वेश्चन, रुख का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? आंसर हो जाएगा विटप। रुख का पर्यायवाची शब्द विटप होता है। रुख का अन्य पर्यायवाची शब्द है वृक्ष, पेड़, द्रुम, पादव, विटप आदि। हिरम गणेश का पर्यायवाची शब्द है। छठा क्वेश्चन, कौन सा शब्द ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है? आंसर हो जाएगा डी आपका, चतुर्भुज। उक्त विकल्पों में ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द चतुर्भुज नहीं है। चतुर्भुज का पर्यायवाची शब्द विष्णु होता है। विष्णु के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं नारायण, हरि, चक्रपाणि, चतुर्भुज, मुकुंद, जनार्दन, गोविंद, लक्षपति आदि। और ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द है कमलासन, चतुर्भुज, विरचि, पितामह, चतुरानन, चतुर्मुख, पितामह, प्रजापति, शंभु आदि। अगला क्वेश्चन, कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है? आंसर हो जाएगा श्री मुख। भ्रमर के पर्यायवाची शब्द हैं चचरिक, अली, मिलिन, सारंग इत्यादि। तथा शिलीमुख वाण का पर्यायवाची शब्द है। शिलीमुख के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं विशिक, सर, नाराज इत्यादि। अतः शिलीमुख भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है। अगला क्वेश्चन, कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है? इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, गणाधिक। उक्त विकल्पों में इंद्र का पर्यायवाची शब्द गणाधिक नहीं है, जबकि अन्य विकल्प तीनों विकल्प में पुरंदर, शक्र, मधुवा इंद्र के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, हिरणगर्भ का पर्यायवाची शब्द है? आंसर हो जाएगा ब्रह्मा। हिरणगर्भ का पर्यायवाची शब्द ब्रह्मा है। ब्रह्मा के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं पितामह, शंभु, चतुरान, श्रेष्ठा, प्रजापति, कमलासन, हंसवाहन, अतम्बु। और विष्णु के पर्यायवाची शब्द हैं अचंदु, जनार्दन, चक्रपाणि, मुकुंद, नारायण, गरुणध्वज आदि हैं। और महेश का पर्यायवाची शब्द है शिव, उमापति, महादेव, त्रुपदी, देवादेव, मद, नारी, चंद्रमौली आदि। गणेश के पर्यायवाची शब्द है हिरम, विश्व विनाशक, गणपति, लंबोदर, एकदंत, विनायक, गजानन आदि। अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। दसवां है, कौन सा शब्द दास का पर्यायवाची नहीं है? तो देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर जो था वो आयोग ने इसको हटा दिया था, इसका कोई आंसर क्लियर नहीं था, आप देख सकते हैं आप लोग। अब बात करते हैं विलोम शब्द की। जंगम का विलोम शब्द क्या होगा? आंसर हो जाएगा स्थावर। जंगम का विलोम शब्द स्थावर होता है। दुर्गम का विलोम सुगम होता है। अगम का विलोम सुगम और चंचल का स्थिर होता है। बारहवां क्वेश्चन, सृष्टि का विलोम शब्द क्या होगा? आंसर हो जाएगा प्रलय। सृष्टि का विलोम शब्द प्रलय होता है, जबकि वृष्टि का विलोम शब्द समाष्टि होता है। अगला क्वेश्चन, ईसिप्त का विलोम शब्द क्या होगा? आंसर हो जाएगा अनिश्चित। ईसिप्त का विलोम शब्द अनिश्चित होता है। अगला क्वेश्चन, सहचर का विलोम शब्द क्या होगा? आंसर हो जाएगा अलगाव। साचर का विलोम शब्द अलगाव होता है। असहयोग का वियोग सहयोग होता है। और वैष्णव का विलोम शब्द सोमनस होता है। पंद्रहवा क्वेश्चन, विराट का विलोम शब्द क्या होगा? आंसर हो जाएगा क्षुद्र। विराट का विलोम क्षुद्र होता है। वृहत का विलोम लघु एवं छोटापन का बड़ापन होता है। सोलहवा क्वेश्चन, स्पर्श का विलोम शब्द क्या होगा? आंसर हो जाएगा अस्पर्श। स्पर्श का विलोम अस्पर्श होता है। अगला क्वेश्चन है, अज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा? आंसर हो जाएगा विज्ञ। अज्ञ का विलोम शब्द विज्ञ है। सर्वज्ञ का विलोम अल्पज्ञ होता है। अगला क्वेश्चन, गौरव का विलोम शब्द क्या होगा? आंसर हो जाएगा
लाघव। गौरव का विलोम लाघव होता है, लघु का विलोम दीर्घ होता है, इसी प्रकार लघुता का दीर्घता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहिरंग का विलोम शब्द क्या होगा? आंसर हो जाएगा अंतरंग। बहिरंग का विलोम अंतरंग है। 20वां क्वेश्चन, ग्रस्त का विलोम शब्द क्या होगा? आंसर हो जाएगा मुक्त। ग्रस्त का विलोम मुक्त होता है और ग्रह का विलोम अग्रह और लुप्त का विलोम व्यक्त होता है, इसी प्रकार मुक्त का विलोम व्रत होता है। अब हम लोग वर्तनी देखेंगे। देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? आंसर हो जाएगा मेरे घर के पास हलवाई की दुकान। आंसर ठीक हो जाएगा। उक्त दिए गए चारों विकल्पों में शुद्ध वाक्य मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है। ओके, अगला देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? देखिए, दिया ऑप्शन सही हो जाएगा श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। दिए गए चारों विकल्पों में शुद्ध वाक्य श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। 23 क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य चुनिए। तो देखिए, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। दिए गए चारों विकल्प में शुद्ध वाक्य देखो फूलों पर भौरे गुजार कर रहे हैं। 24 क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? आंसर हो जाएगा सी आपका। उक्त चारों विकल्पों में सही विकल्प है उसकी शंका का समाधान हो गया है। अगला है शुद्ध संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। आंसर सी हो जाएगा आपका। और देखिए, उक्त चारों विकल्प में संयुक्त वाक्य का सही उदाहरण है मुझे परीक्षा देनी है और मैं गौरखपुर जा रहा हूं। 26 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा? आंसर सी हो जाएगा कलेश। दिए गए विकल्पों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कलेश होगा। ओके, 27 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? आंसर आपका हो जाएगा सी श्रृंगार। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा? आंसर हो जाएगा वी उज्जवल। उज्जवल इस प्रकार से लिखा जाएगा, आप देख सकते हैं आप लोग। 29 है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या होगा? आंसर हो जाएगा बी आपका। दिए गए विकल्पों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है हिरण्यकश्यप। तो इस प्रकार से हिरण्यकश्यप लिखा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आंसर डी हो जाएगा, कवित्री, इस प्रकार से लिखा जाएगा। ओके, अब हम लोग देखेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। क्वेश्चन है, कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं अनामिका। कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को अनामिका कहते हैं। 32 क्वेश्चन, जिसके पेट में माँ ने रस्सी दाम या बांध दी उसे कहते हैं दामोदर। जिसके पेट में माँ ने रस्सी दाम बांध दी उसे कहते हैं दामोदर। अगला है, पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा अनुगामी। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है अनुगामी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसकी कोई कीमत ना हो सके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? आंसर बी हो जाएगा अमूल्य। जिसकी कोई कीमत ना हो सके एक शब्द अमूल होगा, जो बहुत कीमती हो उसे बहुमूल्य कहा जाता है। 35 क्वेश्चन, थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? मिताहारी। थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द मिताहारी होता है। अगला क्वेश्चन, गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? आंसर हो जाएगा अंतेवासी। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाले के लिए एक शब्द है अन्यवासी। इसी प्रकार जो विद्या को चाहने वाला हो वह विद्यार्थी गुरु का अनुकरण करने वाला शिष्य होता है। अगला क्वेश्चन, जिसके हृदय पर आघात हुआ हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा? आंसर हो जाएगा ममाहत। जिसके हृदय में आघात हुआ हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा मर्माहत। जो अपने पद से हटाया गया हो के लिए एक उपयुक्त शब्द होगा पदयुज। जो अपने पद से हटाया गया हो के लिए एक उपयुक्त शब्द होगा पदयुज। जो अपने पद का दुरुपयोग करता उसे कहते हैं पदभ्रष्ट। 39 है, जिसे किसी वस्तु की स्पर्शा ना हो के लिए उपयुक्त शब्द होगा निष्प्रभा। जिसे किसी वस्तु की स्पर्श ना हो उसके लिए उपयुक्त शब्द होगा निष्प्रभा। 40 क्वेश्चन, जिसकी पूर्व से कोई आसान हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा अप्रत्याशित। जिसकी पूर्व से कोई आसान हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा अप्रत्याशित। अब हम लोग तत्सम एवं तदो शब्द देखेंगे। मक्खी का शब्द का तत्सम रूप होगा मच्छिका। मक्खी शब्द का तत्सम रूप होगा मच्छिका। अगला है, हल्दी शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? हरिद्रा। हल्दी शब्द का तत्सम रूप हरिद्रा होता है। अगला है, हुलास शब्द का तत्सम रूप उल्लास। उल्लास शब्द का तत्सम रूप होता है उल्लास। हंसी का विलोम हास्य होता है। अगला है, नारियल शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? नारिकेल। नारियल शब्द का तत्सम रूप नारिकेल, जबकि आयोग ने इसके उत्तर सी माना है। ओके, अगला है, सिंह शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? आंसर हो जाएगा शंख। सिंह शब्द का तत्सम रूप शंख होता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? आंसर हो जाएगा बी आपका शाय। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, एकल शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? आंसर हो जाएगा सी आपका, एकल शब्द का तद्भव अकेला होता है। अगला है,
कपड़ शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? आंसर हो जाएगा कपड़ा। अगला है केवट शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? केवट। गंध शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? गीत। तो गंध शब्द का तद्भव रूप होता है गीत, जो कि विकल्प डी में दिया गया है, इसका उत्तर डी होगा। अब लोग विशेष एवं विशेषण के कुछ क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं विशेष। विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे विशेष कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है उसे विशेषण कहते हैं। 52 क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष है? आंसर हो जाएगा बी आपका अग्नि। अगला है, ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेष है? आंसर सी हो जाएगा पानी। ठंडा पानी ठंड पैदा करता है में विशेष शब्द पानी, जबकि ठंडा शब्द विशेषण है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? आंसर हो जाएगा अनाशक्ति। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष है? आंसर हो जाएगा विषाद। दिए गए विकल्पों में विशेष शब्द विषाद है, जिसका विशेषण विषाद होता है, जबकि पौष्टिक भावुक और पाठकीय विशेषण शब्द है। धुंधला शब्द विशेषण है, गुणवाचक विशेषण, धुंधला गुणवाचक विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरीखा शब्द में विशेषण है? आंसर बी हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। सरीखा में गुणवाचक विशेषण है, जिस विशेषण में किसी संज्ञा या सर्वनाम का गुण दोष रूप रंग आकार प्रकार संबंध दशा आदि का पता चले उसे गुणवाचक विशेषण विशेषण कहते हैं। 58 क्वेश्चन, वह नौकर नहीं आया वाक्य में कौन सा विशेषण है? इसमें हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण। उक्त प्रश्न में सार्वनामिक विशेषण संज्ञा के बदले जो शब्द आता है उसे सर्वनाम कहते हैं, जैसे वह, वे, मैं, तुम आदि। अगला क्वेश्चन, तीसरा शब्द में विशेषण है क्रमवाचक विशेषण, तीसरा शब्द में क्रमवाचक विशेषण, उदाहरण के लिए पहला, दूसरा, तीसरा आदि, जबकि गणनावाचक विशेषण एक, दो, तीन, चार आदि होता है, एवं आवर्ती वाचक विशेषण दुगुना, तिगुना, चौगुना आदि होता है। 60 क्वेश्चन है, चौथाई शब्द का विशेषण क्या होगा? तो चौथाई शब्द का विशेषण होगा अपूर्णबोधक विशेषण। चौथाई शब्द में अपूर्णबोधक विशेषण है, जिसमें पूर्ण संज्ञा का के किसी एक का बोध हो उसे अपूर्णबोधक कहा जाता है, जैसे 1/2, 2.5, 10.5, 4/4, तिहाई आदि।